दुर्योधन और कर्ण के दृष्टिकोण से पूरी महाभारत अभिव्यक्त की गई है, उसे मैंने लिखा है, जिसका मंचन पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है और मैं कल रामपुर में परफॉर्म कर रहा हूं, 3 घंटे का प्ले है और ये पूरी मैंने पद्य शैली में लिखा है। जो लिखा है वो पूरी पोएट्री फॉर्म में मैंने ही लिखा है, उसका निर्देशन किया है। तो उसमें मैं चाहता हूं, सिंस मेरे जो अनुज भ्राताश्री हैं उन्होंने आपको आपका मनोरंजन किया गाना गाकर, तो मैं सोचता हूं दुर्योधन एक आप लोगों को मैं डायलॉग सुना देता हूं दुर्योधन का। ये पोएट्री फॉर्म है और हमारे प्ले का हिस्सा है। ये वो हिस्सा है जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो जाता है और उसके बाद पितामह भीष्म और आचार्य विदुर बहुत दुर्योधन का बुरा भला कहते हैं कि तुमने क्या किया, ये तो काला नाग है, इसको मर जाना चाहिए, ये तो पहले काल था, इसको क्यों नहीं मार दिया गया, इसने हस्तिनापुर का सर्वनाश कर दिया। बिल्कुल सही थे, बिकॉज वस्त्र हरण करना अच्छी बात नहीं है। उस समय दुर्योधन क्या कहता है, वो अपना क्या तर्क रखता है, मैं आज कोशिश करता हूं, प्रयास करता हूं आप लोगों को सुनाऊं और हो सकता है कि आप लोगों को पसंद भी आए। तो जब वो कहता है विदुर कि इसने ये किया, इसने वो किया, तो दुर्योधन क्या कहता है वो सुनिएगा। महामंत्री विदुर जब द्रुपद सुता को दाव लगाया तब ये नीति कहां गई, न्याय नीति को समझाने की तब ये रीति कहां गई। मैं दोषी नहीं, दोषी वो है जो जुए में नारी का दाव लगाते हैं और दाव लगे को जीते जो वो दोषी नहीं कहलाते हैं। मैं निर्दोष हूं, जुए में जीती नारी अब मेरी दासी मेरी संपत्ति है और मैं अपनी दासी पर आदेश चलाऊं किसी को क्या आपत्ति है। और पितामह जब दाव लगाया निज नारी का तब आपने क्यों नहीं रोका, नारी क्या कोई वस्तु है तब आपने क्यों नहीं रोका। कुल वधू लगे दाव जुए में क्या ये नारी का आदर है, धर्म पत्नी को संपत्ति समझना सबसे बड़ा निरादर है। आप सभी सभासद संभव है इसलिए इस युधिष्ठिर को नहीं रोक पाए, मन में सोचा इसी दाव पर सब हारा हुआ ये जीत जाए। क्यों ना बोले सभी जब इसने नारी सम्मान बलि वेदी पर चढ़ा दिया, इसका पक्ष सभी को प्यारा था जिसने गूंगा बना दिया। महामंत्री विदुर नीति धर्म यदि कहता है कि पूरा कर्म करना है पाप तो चुपचाप उसे सहन करना भी कहलाता है महापाप। मेरी समझ में तो ये नहीं आता कि जो व्यक्ति गया हो स्वयं को हार, अरे कैसे हो सकता है उसे किसी को दाव लगाने का अधिकार। पूछिए पूछिए अपने युधिष्ठिर से, क्यों युधिष्ठिर क्या पत्नी संपत्ति पति की जो दाव लगा दे जुए में, स्वयं थकेले अर्थांगनी को लज्जा के अंधे कुएं में, और ये चार नपुंसक भाई बस भ्रात धर्म को ध्यान में रखा इसीलिए अपने अग्रज को न रोका, पति धर्म को भूल पत्नी को जुए के जलते कुंड में स्वाहा होने से न रोका। सबको दोष दिखे मेरा परंतु इनकी गलती पर न करते खेत, जिस थाली में खाते हैं ये उसी थाली में करते छेद। धन्यवाद। ये इस तरह का प्रयास था, बहुत अच्छा प्ले है, हम पूरे हिंदुस्तान भर में करते हैं, कभी आपके शहर में आइएगा उस प्ले को जरूर देखिएगा। जबकि मैं दुर्योधन से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, बहुत गलत किया था उसने, एज वो है, बहुत ही भव्य था महाभारत, बहुत अच्छा बना था। आज भी लोगों के सबसे खूबसूरत बात महाभारत की यह है कि यह हमें सिखाता है क्या नहीं करना चाहिए, रामायण सिखाता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, महाभारत सिखाता है क्या होना चाहिए इस रामायण और क्या हो रहा है इस महाभारत। आज भी देखिए तकरीबन
ये 5000 साल पहले की जो बात है, आज भी आपको घर में एक दुर्योधन मिलेगा, एक आपको शकुनी मामा मिलेंगे, एक आदर्श पुरुष अर्जुन मिलेगा, एक पुत्र मोह धृतराष्ट्र मिलेगा। तो हमें सीखना चाहिए अपने कि हर कि हमें क्या कैसे बिहेव करना चाहिए। देखिए क्या है कि महाभारत की सबसे खूबसूरत बात समझने की चीज है कि माता गांधारी ने आंखों में पट्टी बांधी, बट दैट्स अ सिंबल ऑफ समथिंग। कि अगर कहने का मतलब है कि अगर आपकी आपकी जो पति है, आपके पतिदेव अंधे हो, तो आपके अपने पति की आंखें बनना चाहिए आपको, उसका मार्गदर्शन करना चाहिए, न कि आप भी अपने आप ही पट्टी बांध लें। आप भी अगर अंधे हो जाएंगे तो महाभारत होगा। भीष्म पितामह ने सिंहासन की रक्षा की शपथ ली। अरे भाई सिंहासन पर बैठा कौन है वो तो देखो, इसीलिए महाभारत हुआ। धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन की हट, किन्हें हर चीज मुझे चाहिए, जिद, वो भी गलत है। कर्ण कितना महान पात्र, पर उसने साथ अधर्म का दिया, इसलिए महाभारत हुआ। तो ये सारी चीजें, इट इज सो वेल रिटन, इतना खूबसूरत है हमारा ग्रंथ, हमारा जो महाकाव्य है। मैं तो जितना पढ़ता हूं मुझे लगता है कि यार और भी कुछ सीखना चाहिए इससे, बहुत ही सुंदर है। इस बात पर मैं समाप्त करता हूँ आज का कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।